और लॉकडाउन के बाद कुछ ग्रुप के लोग उत्तराखंड में एक बस करके घूमना चाहते हैं, उधर भगवान शिव जी की नगरी में थोड़ा सा जिंदगी तन्हाइयों में बीत रही थी घरों में, तो लगा कि थोड़ा खुल के जीना चाहिए। तो ऐसे ही एक बस कर लेते हैं और बोलते हैं दोस्तों से कि सब लोग अपने अपने हिस्से से पैसे इंतजाम करो और हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, इधर घूम के आते हैं। तो इसी में वो अपने दोस्तों को फोन कर रहे होते हैं किस किस को चलना होता है। तभी एक जो हमारी वेब सीरीज का एक मेन करेक्टर है वो फोन करता है एक दोस्त को अपने, एक दोस्त को फोन मिलाता है करने के लिए कि भाई हम 20 तारीख को जा रहे हैं, 20 नवंबर को तुम चलोगे क्या? तो जैसे ही वो फोन मिलाता है उधर से आवाज आती है कि लड़की की, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते हो। मैं उसी शिवजी के मंदिर में आज ये कसम खा रही हूं कि अगर तुम 7 दिन के अंदर यहां नहीं आए तो मैं 7वें दिन इसी मंदिर में तुम्हारे प्यार में जान दे दूंगा। जब तक वो लड़का कुछ समझ पाता फोन कट जाता। लड़का परेशान हो जाता है कि 7 दिन बाद ये लड़की जान दे देगी, मैं जानता भी नहीं इसे, इसने गलती से रॉन्ग नंबर मिल गया है, ये मिलाना था इसे अपने प्रेमी को या जो भी वो होगा, प्रेमी या पति जो भी होगा उसे फोन करना था और ये नंबर मिल गया मुझे। वो उसके फोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करता है, कुछ इसने और कुछ कर लिया तो उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना कहती है मैं शिव जी के मंदिर में आज से ठीक 7 दिन बाद आके जान दे दूंगी। और शिव जी का मंदिर वो कहाँ है, किस राज्य में है ये नहीं पता, हिंदी में वो बात कर रही है, अपना नाम भी नहीं बता रही, कुछ भी कुछ नहीं पता, ऐसी उसने बात की जैसे अपने प्रेमी या अपने पति से बात कर रही हो। ये लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूँ, इसको लगता है कि ये फ़ोन उसके प्रेमी या पति को होना चाहिए था, फ़ोन गलती से मुझे मिल गया क्योंकि वो रॉन्ग नंबर मिल गया था, फ़ोन मिलाना किसी और को चाह रहा था और मिल गया किसी और को जैसा अक्सर हो जाता है। तो इसी चक्कर में ये परेशान हो जाता है, ये कहता है अपने दोस्तों से कि मंदिर वगैरह जाना का प्रोग्राम कैंसिल करो यार, मुझे लग रहा है ये लड़की 7 दिन बाद जान ना दे दे, तो इसे बचाना चाहिए। बहुत मुश्किल से उसके दोस्त मानते हैं, पहले तो मना करते हैं कौन किसके लिए जीता है यार, क्या कर रहे हो, घूमने चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन से थोड़ा फ्रेश होने का मौका मिला है फ्री, तो पहले तो मना करते हैं बाद में दोस्त मान देते हैं। ये क्या करता है कि शिव जी के एक विशेष मंदिर का नाम लिया था, जैसे उसने लड़की का नाम लेती कि मैं शिव जी के सुरेश्वरी मंदिर में अपनी आके जान दे दूँगी, जहाँ तुमने प्यार का वादा किया था उसी मंदिर में, वो ऐसा कुछ कहती है, नाम लेती है, ये नहीं पता वो किस राज्य में किस किस में कहाँ है। तो ये लड़का अपने दोस्तों को लेके, ये लड़का दिखाया हमने हरिद्वार उत्तराखंड से, ये लड़का जाता है और एक मंदिर में जाता है शिव जी के मंदिर में, बोलता है कि ये जो मंदिर है जिसका जिक्र कर रहे हैं पंडित जी, ये मंदिर और कहाँ कहाँ है, तो वो बताते हैं एक तो हरिद्वार में ही है, हरिद्वार में उस मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि ऐसे से कोई लड़की आती है क्या, वो कहते नहीं ऐसे तो कोई लड़कियाँ आती नहीं, उनके पास आता पता कुछ होता नहीं है। तो फिर पूछते हैं ऐसे मंदिर कहाँ है, तो वो बताते हैं 7 राज्यों में मंदिर हैं, ऐसे इंडिया के 7 राज्यों में वो मंदिर हैं, भगवान महादेव के सुरेश्वर मंदिर। अब 7 दिन का टाइम है, 7 राज्यों में मंदिर हैं, बार बार रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसमें घंटे की आवाज़ आती है मंदिर की, छोटी सी आवाज़ आती है, उनकी रिकॉर्डिंग सुन के ये लोग बड़े मुश्किल से हाथ जोड़ता दोस्तों से, भाई अपने अपने तरीके से अपने अपने रिश्तेदारों का पता करो 7 राज्यों में मंदिर कहाँ है, किसके कौन रिश्तेदार हैं, सब पता करते हैं, रिकॉर्डिंग सबके मोबाइल में भेज देते हैं कि इस तरह से लड़की कह रही है। तो 7 राज्यों में वो अपने तंत्र बैठा देते हैं पता करने के लिए कि कोई पुजारी बताएगा वहाँ पे कि ऐसी कोई लड़की आती है, हो सकता है रोज आती हो सकता है इससे पहले भी आती हो सकता है उसके आसपास घर हो, ऐसे करके वो सब दोस्तों की मदद लेके तो 5 दिन तक 5 राज्यों में पता चलता है कि इस टाइप की कोई लड़की नहीं आती, वहाँ पता चल जाता है कि ऐसा कोई
पाँच दिन तक वो जाती भी नहीं वहाँ पे। तो दो राज्य रह जाते हैं, दो राज्यों में एक मैं खुद जो इसका जिसको फ़ोन आया था वो जाता है और जाके उस पंडित जी को बोलता है कि ऐसे से बात है, ये रिकॉर्डिंग सुनो और आप ऐसे से क्या कोई लड़की आती है यहाँ पे। तो वो पंडित जी कहते हैं हाँ एक लड़की आती है, वो रोज़ आती है 11 बजे सुबह, रोज़ ये रहा आके घंटा बजाती है, रोती है, रोज़ कहती है भगवान ए प्रभु ए शिव जी मेरी प्रेम की नैया पार लगाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगी उसके। तो वो वहाँ रुक जाते हैं ये लोग, मतलब जो इसका नायक होता है जिसको फ़ोन आता है, और उस वहीं रुक के पूरी बात बताते हैं, हम लोग उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं, ये रॉन्ग नंबर आ गया था और हम तो इसलिए आए, पूरे जितने भी मंदिर थे सब जगह ढूंढवाया हमने उस लड़की को, तो यहाँ पता चला कि वो यहाँ है, अब हम रुकेंगे, सुबह को उसको बता के कि तुम्हारा फ़ोन मुझे आया था, तुम्हारे पति या प्रेमी को नहीं आया था, बस इतना बताना ताकि वो मर ना जाए, वो इस गलत फहमी में आत्महत्या ना कर ले, अपने जान ना दे दे। इसलिए वो पुजारी बड़े खुश होते हैं पूरी बात सुन के, वो उनको बताते हैं हरिद्वार से आए हैं, मेरा ऐसा ऐसा नाम है, वो वहीं रुक जाते हैं, पुजारी बोलता है तुम यहीं रुक जाओ, उसके बाद कल वो आएगी, कल मुलाकात कराते हैं। रात को रुक जाते हैं, अगले दिन 11 बजे वो लड़की आती है, वो घंटा बजा के जैसी रोने की कोशिश करती है सामने आ जाते हैं कि देखो आप ही का नाम अगर सुनैना है तो आपका आपने कॉल किया था, ये कॉल गलती से मुझे मिल गया था, आप जिसे करना चाहती थी उन्हें उसे नहीं मिला, अब आप मेरे सामने, वो लड़की चौंक जाती है, मेरे सामने उसे फ़ोन करो आप जिसको आप फ़ोन करना चाहती थी, 7 दिन से हम लोग तो इस चिंता में परेशान रहे कि कहीं आपको कुछ होना जाए, सब ढूंढ ढांड के आपके पास आए, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, और ये क्या बात हुई किसी के लिए आप जान दे देंगी, उसने इस तरह की बातें करी और कहा उस लड़के को अभी फ़ोन करो आप। अपने सामने वो लड़का को फ़ोन कराता है, लड़के से बात होती है, और वो लड़का जैसे ही मंदिर में आता है तो ये अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार की तरफ निकल आता है। वो लड़का आता है, कहता है उस लड़की सुनैना से कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, और मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी सगाई तो किसी और से हो गई है, अब मैं मैं तुम्हारे साथ प्रेम की यात्रा यहीं ख़त्म करता हूँ, और ये लड़की है उसके साथ, वो लड़की आ रही होती है कि मेरे तो इससे शादी होने वाली है, और वो ऐसे कह के बुरा मत मानना ऐसे करके चला जाता है। वो लड़की उसकी नहीं सुन के वो उधर देखती रहती है, वो कहाँ गया जो मेरे लिए 7 दिन से मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कुछ होना, और वो इधर उधर देखती है लड़की कि कहीं वो लड़का यहीं मंदिर में तो नहीं है। तो फिर पुजारी कहते हैं कि बेटे वो तो चला गया, और पूछते कि वो कौन था कहाँ था, कह रहे वो हरिद्वार से आया था और कितना अच्छा लड़का, देखो 7 दिन से इसलिए परेशान था कि तुम्हें कुछ होना जाए, अरे कहाँ ये है जो दूसरी लड़की के लिए तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। यहाँ से ये लड़की प्रभावित हो जाती है उस लड़के से और पूछती है लड़का कहाँ था, कहाँ से था, क्या नाम था, बताते इसका नाम ये है, अरे हरिद्वार से आया था। तो वो लड़की उसके बाद फिर आती है हरिद्वार, फिर उसे ढूंढने आती है और ढूंढ के उसी मंदिर में आती है जिस जो मंदिर वहाँ था, उस वहाँ से उसका पता ढूंढती है, पता ढूंढने के बाद फिर क्या होता है, कैसे मिलती है, क्या मदद करती है, क्या मदद होती है, क्या इनमें प्यार होता है या नहीं होता है, क्या उसके जीवन में कोई और लड़की थी, वो कुंवारा था या शादीशुदा था, दोस्त उसकी मदद करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ से अकेले आती है, किस लिए आती है, घर वालों को क्या कह के आती है, क्या करती है लड़की, क्या करता है लड़का जिससे मिल रहा है, इन दोनों में प्रेम के संबंध बनते हैं या टूटते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। ये खूबसूरत कहानी दोस्तों हम लेके आ रहे हैं, देखिएगा ज़रूर हमारी वेब सीरीज नई, बहुत जल्दी आपको दिवाली से पहले आपको बीफ्लिक्स चैनल पे मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।